जय हिंद दोस्तों, बच्चों की प्यार से, माँ के आशीर्वाद से, आप लोगों की दुआ से और ऊपर वालों की रजा से दोस्तों आज हम अपने 6th क्लास का ओपनिंग करने जा रहे हैं। तो इसी तरह अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिए। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। क्रिएटिविटी ऑफ हिमांशु मिश्रा एंड सौरभ तिवारी। कहना चाहते हो बच्चों? नया क्लास खोलने के पीछे का सिर्फ एक ही मकसद है जो मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ। देखो बच्चों, शिक्षा शेरनी का वो दूध है जिसे जो पीता है हर एक बंदा शेर की तरह दहाड़ता है। बच्चों आज हम लोग मराठी का 4th चैप्टर उपास पढ़ने वाले हैं। इस स्टोरी में क्या होता है पता है क्या? एक बंदा होता है जो उपास रखता है और सोचता है कि उसका वेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बट पूरा वीडियो जब आप लोग देखोगे ना तब आप लोग को पता चलेगा कि उसका वेट रियल में कम हो रहा है या बढ़ रहा है। ठीक है, आइए हम लोग अपने चैप्टर को क्या करते हैं, शुरू करते हैं। वीडियो चलते रहेगा, लाइन बाय लाइन मैं आपको उसका एक्सप्लेनेशन देते रहूंगा। उगीच हाथ दाखवून अवलक्षण आहे। हाथ दाखवून अवलक्षण करने का मतलब होता है अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारना। एक्चुअली क्या होता है पता है क्या? ये जो ये उपास रखता है ना वो चाहता था कि उसको सीक्रेट रखे, लेकिन पता नहीं कैसे उसके पूरे चाल में जितने भी लोग रहते हैं ना सभी को ये बात पता चल जाती है। तो अब क्या करते हैं लोग उसको मैसेज करके कॉल करके परेशान करते हैं कि तू उपास रख रहा है, तू डाइट कर रहा है, ऐसा उसको क्या कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। उपोषण म्हणजे उपास, फास्टिंग।
रुकने दे।